कर दी पिछली गवर्नमेंट ने, वो तो दुनिया को मालूम है, देश को मालूम है। अब जाके जब काम वापस शुरू हुआ है तो जब ये चेयरमैन साहब बता रहे थे आपको कि अभी कम से कम लगभग 1/4 अमाउंट करीब 42,000 करोड़ की रिफाइनरी के आसपास है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर इन्होंने कर दिए इन कामों के, 1,800 करोड़ के तो काम इन्होंने संजय खर्च कर दिए, बाकी के टेंडर करके संजय कर दिए हो। तो अभी काम बड़ा प्रोग्रेसिव चल रहा है। हम इनसे रिक्वेस्ट ही करें कि टाइम बाउंड इसको पूरा कर दो, क्योंकि जनरली रिफाइनरी जो बनती है पूरे मुल्क में तो टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। सवाल ये कि हमारी सरकार टॉप प्रायोरिटी देगी, कोई कमी नहीं आने देगी। जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन सरकार से स्टेट गवर्नमेंट से, कोई कमी नहीं आएगी। पर मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि रिफाइनरी में बहुत टाइम लगता है, कई तरह की अड़चन भी आती है। तो ये पूरा प्रयास करें, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो टारगेट वहाँ रखा है 2023 का 2024 का तब तक हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये काम शुरू हुआ है, अभी करीब 1,800 लोग लगे हुए यहाँ पर काम है। जल्दी आप देखेंगे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लोग लगेंगे, स्किल वाले भी नॉन स्किल वाले भी। तो काम शुरू हुआ है, बड़ा टेक्निकल काम है, बहुत शानदार काम है, बड़ा ऐतिहासिक काम है। यहाँ पेट्रोकेमिकल के साथ में जो हम लोग चाहेंगे आधारभूत ढांचा बने, साथ में औद्योगिक क्षेत्र बने, उसकी तैयारी चल रही है। साथ में ITI यहाँ पर आए, हॉस्पिटल आए, सुविधाएँ मिले यहाँ के लोगों को। और जहाँ तक लोगों के स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की बात है, वो हर जगह मांग होती है और प्रायोरिटी मिलती है, उनको मिलनी भी चाहिए। पर काम कई तरह के हैं, काम है जो काम यहाँ के लोग नहीं कर सकते वो तो आपको ट्रेन कराने पड़ेंगे। अभी वक्त है उनके सामने भी कि स्थानीय लोगों को भी, नौजवानों को जो स्किल डेवलपमेंट काम है उनमें उनको आगे आना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे कि प्रायोरिटी उनको मिल सके। सर, पश्चिमी राजस्थान की दिशा बदल जाएगी, रिफाइनरी से पश्चिमी राजस्थान की दिशा बदल जाएगी, पश्चिमी राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश की। पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ही आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया तो ये आया है, फॉर्च्यून भारत का, पूरे देश का 9 मिलियन टन की रिफाइनरी विथ पेट्रोकेमिकल। पूरे देश का चेयरमैन साहब खुद भी बोल रहे थे, पूरे मुल्क में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पचपदरा ये रिफाइनरी है। फॉर्चुनेटली यहाँ गैस निकल गया, तेल निकल गया है, तो बहुत बड़ी बात है। और वो करीब कंट्री की 40% क्वांटिटी जो है वो यहाँ की प्रोडक्शन हुआ है पिछले दिनों के अंदर, अभी कुछ कम हो गया है जो हालात देख रहे हो आप लोग। 10 ब्लॉक और उनको मिल गए हैं कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर। हम चाहेंगे वो काम जल्दी शुरू करें जिससे ये और तेल निकल सके। जितना तेल यहाँ निकलेगा उतना ही इस रिफाइनरी को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वरना इनको डिपेंड रहना पड़ेगा, इम्पोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। पर यहाँ तेल निकलता है तो फ़ायदा हम तो सबको उसका मिले, रॉयल्टी अलग मिलेगी, और रिफाइनरी के बनने के बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न आएंगे वो अलग आएंगे। तो तमाम तरह की एक्टिविटी बढ़ जाएगी राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। प्लास्टिक आधारित उद्योग कई तरह के होते हैं वो लगा पाएंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको स्टडी करने की जरूरत है आप लोगों को भी, जिससे कि आप इस पर एक्सपर्टाइज करके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सको पब्लिक को, उसका लाभ पब्लिक को मिलेगा। ये खाली न्यूज़ की खबरें नहीं है, न्यूज़ की खबरें हम पहले बहुत टाइम दे चुके हैं, जो मीडिया में आती रहती है, छपती रहती है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इसको आपको खुद को, आप मेरे जो लोग रुचि रखते हैं और जिनको अगले 4 साल, 3 साल, 5 साल कवर करना है, उनको कुछ लोगों को इस पर एक्सपर्टाइज करनी चाहिए जिससे कि आप फिर रिपोर्टिंग वो कर सको, उसका लाभ मिले पब्लिक को और दबाव बढ़ा रहे कंपनी पर, ये लोग सब एक्सपर्ट लोग हैं। सर, प्रियंका गांधी को लेकर कल नमस्कार कांग्रेस ने निशाना साधा है मोदी।